हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता, टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। दमोह जिले के चर्चित देवेन चौरसिया हत्याकांड में एक बार फिर एमपी के चर्चित बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को दमोह जिला के हटा एडीएजे कोर्ट ने एक बार फिर आरोपी बनाते हुए 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश के बाद बसपा विधायक रामबाई सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। रामबाई के मुताबिक उनके पति निर्दोष हैं, जिसके तमाम साक्ष्य उनके पास हैं और कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उसका सम्मान करती हैं, लेकिन एडीजे कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगी। रामबाई के मुताबिक उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने इशारों में इसमें शामिल लोगों को चेताया भी है। दरअसल 2 साल पहले सूबे में कमलनाथ सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद हटा के कांग्रेस नेता देवेन चौरसिया की हत्या हुई थी। पुलिस ने विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह सहित उनके परिजनों को आरोपी बनाया था और कमलनाथ से नजदीकियों को लेकर विधायक रामबाई सिंह को उस दौरान राहत भी मिली थी। मामले में बनाई गई एसआईटी ने रामबाई के पति गोविंद सिंह को मामले से बाहर कर दिया था, लेकिन न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी पक्ष की साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया विश्वास कर धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता की सख्ती का प्रयोग कर गोविंद सिंह को आरोपी मानकर 7 दिनों के भीतर पेश होने को कहा है। माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार ने रामबाई की मदद करते हुए उनके पति को मामले से मुक्त किया था, लेकिन रामबाई कह रही हैं कि सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना ये होगा कि विधायक के पति को पुलिस गिरफ्तार करती है या वो खुद पेश होते हैं या फिर हाई कोर्ट से कुछ राहत मिलती है। माननीय न्यायालय हटा कोर्ट ने हमारे पति को नाम जोड़ दो चौरसिया कांड में, वो उनकी प्रक्रिया है न्यायाधीश की, उनका जो भी न्याय हुआ वो सारा आँखों पर है हमारे, और हमारे जो कोई एविडेंस हैं जो भी हमारे पास हैं, हमारे साक्ष्य में हैं, हमारे सब प्रमाण हैं हमारे पास, और जो एसआईटी गठित भई थी जिनने पूरी जांच करके हमारे पति को नाम निकालो तो वो आगे जो भी हाई कोर्ट है उसमें हम रखें अपने केस, मतलब अपनी पक्ष रखें हाई कोर्ट में, तो मुझे न्याय पर पूर्ण भरोसा है और न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं मुझे उधर से न्याय मिलेगा, और जो भी मतलब कानूनी प्रक्रिया है मतलब कानून के तहत जो आती है उसके अंतर्गत हम अपनी भी अपने पक्ष रखें हाई कोर्ट में, और पुनः हम कहना चाहते हैं कि हम अपने जो जज साहब हैं उनने जो भी निर्णय लिया है सर आँखों पर है, और जो लड़ाई है आगे इसकी न्याय की वो हम आगे लड़ेंगे। जजमेंट में कहा गया कि 7 दिन के अंदर या तो पेश हो या पुलिस उनको पेश करे, तो इस पे क्या आप उसके पहले ही हाईकोर्ट जाएंगे या क्या न्यायालय पे आप करेंगे, भरोसा भी है एक तरफ? देखिए मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, 7 दिन के अंदर पेश की बात बोली वो उनका काम है, जो हमारा काम है वो हम अपना काम हम करेंगे, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम अपने सर्टिफाइड काफ़ी आज दिन भर से मिली नहीं है, दी नहीं गई हमारे लिए सर्टिफाइड काफ़ी जो आदेश हुआ है तो उसके लिए वकील अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, दी नहीं जा रही है अभी तक, तो वो मिल जाएगी, फिर उसके बाद सोमवार को पिटीशन लगाएंगे इसकी हाई कोर्ट में, तो आगे भी न्याय है, ऐसा तो है नहीं है कि भाई न्याय ख़त्म या होगा कि भाई अब उम्मीद नहीं है, न्याय पर भरोसा है, न्यायाधीशों पर भरोसा है, जो मुझे न्याय आगे मिलेगा इसमें, और पेश हो भी कि रिस्की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जिसने अपराध किया हो वो पेश हो, अब कोई अपराध ही नहीं किया है, इसका साक्ष्य जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो हमारे बॉडी हमारे जो गार्ड हैं
सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं श्री अवधेश प्रसाद प्रताप हैं जो गार्ड, वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में, उनके भी बयान हैं। अब कानून के पास पर्याप्त, मेरे पास भी प्रमाण हैं, और जो कानून को लगा, जो जस्सा को लगा, उनने किया 7 दिन के अंदर, उनको जो लग रहा है वो उनका काम है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। लगातार आप संघर्ष करती रही हैं इसके लिए, और आपने इसमें सफलता भी पाई थी, लेकिन एक फिर से फैसला आ गया, क्या मानती हैं? अब देखिए ऐसा है कि जब जब लोगों ने हमें घेरा है और जब जब हम लोगों को बिल्कुल गाड़ने की सोचते हैं, तब उसके बाद हम उससे भी ज़्यादा पावरफुल होके उभरते हैं। और इस बार और न्याय पे भरोसा है, एक ना एक दरवाजे खोल के हमेशा रखते हैं, और मुझे अपने ईमानदारी सच्चाई न्याय पे भरोसा है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो इस बार तो साथ में है ही, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उसके लिए तो कोई ना कोई दरवाज़ा खुला ही रहता है। तो पहला दरवाज़ा तो ईश्वर का है, फिर ईश्वर के रूप में न्यायाधीश है, तो मैं उन पर भरोसा करती हूँ। क्या लगता है आगे आगामी समय में क्या है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम करूंगी, जो कानूनी प्रक्रिया उन्हें अपनाई मैं अपने मेरे पास है वो करेंगे। और रही बात कोई भी जो शक्ति हैं राजनीतिक भी जो लगी हैं इस केस को लेके, उन्हें भी आगे इस चीज़ को मिल है भाई, हमें भी मौका मिल है। कहावत तो आपने सुनी है, जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है, जब जब प्यार और गहरा हुआ है, तो वही हमारे साथ है कि जो भी हमारे इस केस में बिनाई मतलब के बिनाई के कोई लेन देन के ज़बरदस्ती का सपोर्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का विरोध करवा रहा है, ज़बरदस्ती का इसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो उन्हें भी आगे ईश्वर सतबुद्धि दे। और अब देखेंगे कि इस बार क्या रचना रचता है, कुछ ना कुछ उसी ऊपर वाले की प्रक्रिया है, उसी का आदेश है कि कुछ आगे क्या होना है, तो वो जो रास्ता दिखाएगा वो करेंगे। आप ये मानते हैं कि आपकी राजनीतिक सफलता को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं? देखो ये तो सत्य है कि हमारी राजनीति को कोई नहीं पचा पा रहा, ये बिल्कुल सत्य है। सिर्फ वही लोग पचा पा रहा है जो अच्छे लोग हैं, जो निकृष्ट हैं, जो बेईमान हैं, बदमाश हैं, उन पर हजम नहीं हो रही, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो और आगे बढ़ जाएं। लेकिन शायद वो ये चीज़ को भूल रहे हैं कि आगे वही लोग बढ़ते हैं जो अच्छे काम करते हैं। और मुझे अपने आचार विचार, अपनी दया धर्म और अपने अच्छे कामों पर भरोसा है। और रही पचावे वाली बात, तुझे तो कछु भी कर ले मैं, कोनो भी कछु कर ले मैं, जिनने पहले करो अब बे नहीं रहे, और जो अबे कर रहे सो बे न रहे। क्या लगता है नया मोड़ आया है? नहीं देखिए, सरकार ने ना मेरे हस्बैंड की पहले कोई मदद की थी कि कोई नाम में इसमें सरकार ने कोई सहयोग किया, ये तो कानून ने जो सही लगा उनको कि जे नहीं थे इस केस में, तो जो साक्ष्य उनको मिले मेरे हस्बैंड के पक्ष में, उनके आधार पर उनने नाम काटो। और आज सरकार चेंज हो गई, तो इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है कि सरकार कोई नाम जुड़वाया कि कुछ भी हुआ हो। हाँ, इसमें जिन लोगों का हाथ है वो भी जानते हैं, और आप भी जानते हो, अब तो दमोह ज़िले के तो छोड़ो दूसरे ज़िलों के साथ देने लगे हैं, तो मौका मिल है तो उन्हें बताओ जी। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह।